जहाँ तक बच्चों का नहीं आने का प्रश्न है, उसका कारण होता है विद्यालय का जो अट्रैक्शन है उसका आप पूरा पूरा ध्यान रखें। बच्चे की, एक एक बच्चे की आप पूरी डॉक्यूमेंट से करें, उससे संपर्क करें और उसके नहीं आने का कारण उससे पूछें। इसी चीज़ के ऊपर हमने अपने अध्यापकों से चर्चा कर और उनसे विचार विमर्श किया और नहीं आने का ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ कृषि कार्य या अन्य कार्यों के अंदर व्यस्त रहते हैं, माता पिता उनके प्रति इतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते क्योंकि उनका जीवन केवल इसमें कृषि पर ही निर्भर रहता है। तो बच्चों को भी वे किसी न किसी रूप में अपने साथ जोड़ रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारे द्वारा अभिभावकों से संपर्क कर, जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर शिक्षा की, शिक्षा के बारे में, उसको शिक्षा के महत्व के बारे में उनको बताया गया, तो उन्होंने ये चीज़ स्वीकार की कि हम जैसे जैसे बच्चों को समय मिलेगा विद्यालय तक पहुँचाएंगे और आपका सहयोग करेंगे। हमें चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसी से देखा गया है कि हमारे विद्यालय में बच्चों का ठहराव 90% से ऊपर आता गया। बहुत ज़रूरी है बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के साथ साथ उनके ध्यान को किसी कार्य के अंदर लगाना। जैसा कि उनमें रुचि होती है, बच्चों की रुचि के अनुसार उनको कार्य का निर्धारण कराना। हमने अपने शिक्षकों से प्रत्येक कक्षा के अंदर बच्चों की रुचि के बारे में उनसे लिखवा कर मांगा और उसी के अनुसार हमने बच्चों को खेलकूद, स्कूल की व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य करने की जो रुचि थी उसके अंदर बच्चों को जोड़ा। कई बच्चे जो हमारे आज के दौर में मिड डे मील चलता है उसमें सहयोग करने, विद्यालय की साफ सफाई करने या खेलकूद के प्रति उनमें जागरूकता, हमने पानी की व्यवस्था, पानी का सही रूप से साफ सफाई रखने के अंदर समितियां गठित की, एक कीड़ा प्रतियोगिता से संबंधित एक टीम बनाई जो खेल से संबंधित है और उसके अंदर मॉनिटरिंग के लिए हमने उसी कक्षा के अंदर अच्छे जो बच्चे थे उसी से कक्षा का सही संचालन कराने के लिए उनका लीडर बनाया और उनके लीडर के अंदर 5 बच्चे और छात्र छात्राओं का सहयोग लिया, जिससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और बच्चों को ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पहचान कर उनको नियत समय पर विद्यालय आना और सुचारू रूप से उस कार्य को करना, इससे दूसरे छात्रों के अंदर भी रुचि पैदा हुई और इस कार्य से हमें बहुत ज़्यादा जुड़ाव और लगाव हुआ और बच्चों के ठहराव और अन्य चीज़ों की व्यवस्थाओं में हमारे स्कूल का विकास हुआ। हमारे स्कूल में लाइट की सुविधा है जिसमें हमने सबसे पहले टेलीविज़न की व्यवस्था की और जो टेलीफिल्म के माध्यम से बालिका शिक्षा के जो प्रोग्राम आ रहे हैं उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट किया और बच्चों को दिखाया। उस पर शिक्षाप्रद जितने भी ऐसे सीरियल उनको दिखाए गए जिससे बच्चों के अंदर उनको देखकर रुचि पैदा हुई, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई और उसके देखने से हमारा ये स्कूल के वातावरण में एक प्रकार का प्रभाव पड़ा कि केवल टीवी के माध्यम से बच्चों की संख्या में ठहराव और जुड़ाव और निरंतर उसके अंदर शैक्षणिक गतिविधि और उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन आने के अंदर बहुत तेज़ी से प्रगति हुई।